वेलकम, स्वागत है। मैं परमान राजवाड़े हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 1 मई 2024 है और मिनी साक्षरता स्टेडियम लखनपुर में कांग्रेस के बड़ा आम सभा हो रहा है, जिसमें आदि बाबा और उसके साथ में प्रदेश महासचिव आदरणीय श्री सचिन पायलट जी हेलीकॉप्टर में लैंडिंग करते हुए, आप देख सकते हैं किस तरीके का लोग इंतजार करते हुए यूट्यूब के अंदर परमान राजवाड़े पर्सनल ब्लॉक से हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उतरता हुआ मिनी साक्षरता स्टेडियम लखनपुर में। किस तरीके से आज भी गांव में भाषण से लोगों से भीड़ से ज़्यादा देखने के लिए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ज़्यादा जुटते हैं। हेलीकॉप्टर किस तरीके से उतरता हुआ, हेलीकॉप्टर कैसे उतरता है, ये भी एक देखने लायक होता है दृश्य, बहुत ही यादगार पल। मिनी साक्षरता स्टेडियम लखनपुर में हेलीकॉप्टर आराम से उतर, फूल कितना उड़ रहा है, पुलिस प्रशासन सब तरफ से सुरक्षा कवच। देखिए कैसे पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा हेलीकॉप्टर कैसे उतरता है, कितना स्पीड से गति से पंखा घूमता है और फूल थककर कितना उड़ता है हम देख सकते हैं। और सचिन पायलट आदि बाबा का पहुँचते हुए बाई हेलीकॉप्टर ट्रांस भारत एविएशन दिखाए, 16 हेलीकॉप्टर है, लेकिन देख सकते हैं हेलीकॉप्टर लोग धीरे धीरे बैरिकेड्स लगा हुआ है बांस के, ग्रामीण से ग्राम से आए हुए लोग देखने के लिए मोबाइल से वीडियो बनाते हुए लोग, और कांग्रेस पार्टी के हाथ छाप का झंडा लहराता हुआ, धूप पूरी तरह से तीखी तेवर पर खिला हुआ, और तकरीबन 1-2 हज़ार आसपास के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज सचिन पायलट प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ के सरगुजा के जनपद पंचायत लखनपुर में मिनी साक्षरता में हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो चुका है और जैसा कि बताया जा रहा है कि आदि बाबा भी उनके साथ में हैं। सचिन पायलट संभवतः अब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा यहां से नज़ारा दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर के पंखा धीरे धीरे स्लो होता हुआ और गाजा बाजा के साथ, देखिए गाजा बाजा के हमारे लोक संस्कृति का प्रतीक, और हल्का हल्का हवा चलता हुआ, और तकरीबन 2.5 से 3 या 5 किलोमीटर तक पंखा यानी कि हेलीकॉप्टर के पंखा घूमता रहता है धीरे धीरे। और देखिए वहाँ पर हमारे लखनपुर क्षेत्र के आसपास युवा नेता लोग सभी सफ़ेद कलर के जर्सी पहने हुए कह सकते हैं, वो लोग सब माला पुष्प माला लेकर खड़े हैं। हेलीकॉप्टर के पंख अब धीरे धीरे स्लो होता हुआ पूरी तरह से तैनात किया गया है आसपास के इलाका को, और बांस से बैरिकेड किया गया है, उसके नज़दीक में सभी गांव से आए हुए लोग नज़दीक पहुंच करके देख रहे हैं। आज भी गांव के लोग बता दूं कि लोगों का भाषण से कहीं हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंचते हैं, ऐसा कतूहल बने रहता है। और सचिन पायलट, जैसा कि आपको मैं बता दूं, सचिन पायलट को हाथ खिलाते हुए 6.5 फुट कद है उनका, शानदार टेनिस में हाथ खिलाते हुए सभी लोग से। आदि बाबा हरा कलर के टेनिस में सभी, और यहाँ पर महफूज खान वीडियो बनाते हुए, और अमित बाबा सभी सम्मानित लीडरशिप फोटोग्राफ होता हुआ। मैं परमान राजवाड़े हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मिनी साक्षरता लखनपुर से, और देखिए सैला नृत्य होता हुआ, जय जयकार की, और
स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल के जस्ट पीछे मिनी साक्षरता स्टेडियम में लोगों का भगदड़, यानी एक दूसरे से देखने के लिए चलते हुए, और हाथ छाप का तिरंगा लहराता हुआ और जय जयकार का होता हुआ। तो आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर वहां पर खड़ा हो चुका है, आसानी से आप देख सकते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा न्यूरॉन क्या होता है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में जानिए आज का भाषण देने के लिए। और लोकसभा चुनाव 2024 का 7 मई को सरगुजा में होना है, उसी परिप्रेक्ष्य में यहां पर छत्तीसगढ़ महासचिव श्री सचिन पायलट जी पहुंचे हुए हैं और आदि बाबा और नेतागण लोग पहुंचे हैं। यहां पर भाषणबाजी भाषण होगा और भाषण के बाद क्या कुछ हमारे गांव अंचल को देने वाले हैं विकास में तमाम जानकारी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा चैनल में है तो प्रमाण राजौड़े पर्सनल ब्लॉग्स, उसमें जाइए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।